जय श्री कृष्णा। एलजे टैलेंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सूजी और पोटैटो नट्स। ये नट्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, और क्योंकि हमने इसमें हेल्दी चीज़ों का यूज किया है, इसमें हेल्दी सब्जियाँ और सूजी और आलू का यूज किया है, जो खाने में सभी को पसंद आने वाले हैं। आलू के वैसे ही सभी स्नैक्स बच्चे और बड़े सबको पसंद आते हैं, और यह भी नट्स सभी को पसंद आने वाले हैं। आप भी इस प्रकार से ये नट्स ज़रूर बनाए खाए, और बच्चों और सबको खिलाए, और इसे बनाने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें। ये मैंने 200 ग्राम सूजी लिया है, यानी रवा। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं हो तो आप मोटी वाली सूजी लें और उसको एक बार मिक्सी में चला लें। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हो, और इसमें पानी डालेंगे, यानी आप माप से अगर एक कटोरी सूजी लिया है तो आधा कटोरी पानी डालेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे। सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी इसको ढककर 5 मिनट तक रेस्ट पर रखेंगे, यानी सूजी के फूलने तक इसको ढककर रखेंगे। 5 मिनट बाद हम हमारी सूजी को चेक करेंगे। ये सूजी हमारी अच्छे से भीग गई है, देखिए ये अच्छे से फूल भी गई है। अभी ये उबले हुए 2 आलू लिए हैं, इनको इसमें कद्दूकस करेंगे। इस तरह से इसे ग्रेट करेंगे। आलू हमारे कद्दूकस हो गए हैं। अभी इसमें एक कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे, एक कद्दूकस की हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 5-6 काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, या आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार। अभी इन सब चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें सब्जियां अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो वो सब्जी इसमें डालें। ये नट्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको लगे कि ये डो गीला है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा और मिला सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, यानी 1-2 चम्मच, और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए चिकना बनाएंगे। इसी तरह से आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आटा हमारा मिक्स हो गया है। अभी हम इसके नट्स तैयार करेंगे। अभी हम एक प्लेट लेंगे और इस पे चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर इस तरह से थोड़ा डस्ट करेंगे, 1 या 2 चम्मच इस तरह से डस्ट करेंगे, और इसको इधर साइड में रखेंगे। अभी हम इसके नट्स बनाना तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लेके हाथों को इस तरह से चिकना करेंगे, और अभी थोड़ा सा ये डो लेंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए उस तरह से और इस तरह से छोटे छोटे नट्स तैयार करेंगे। इसी तरह से और जो हमने डस्ट करके प्लेट रखी थी उस पे ये नट्स रखेंगे, ताकि ये प्लेट पे चिपके नहीं। इसी तरह से दूसरा नट्स भी तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसानी से नट्स तैयार होते हैं। इसी तरह से सारे नट्स बना के तैयार करेंगे। ये मैंने इधर तेल को गरम कर लिया है। अभी गैस को मीडियम करेंगे और मीडियम गैस पे हम अपने नट्स फ्राई करेंगे। एक एक करके नट्स डालेंगे। इसमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालें। अभी इसको एक साइड से पकने देंगे, यानी 1 मिनट तक इसको हिलाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही पकने देंगे। अभी इनको 1 चम्मच की सहायता से इस तरह से हिलाएंगे।
देखें हमारे नट्स फ्राई हो गए हैं। ये बहुत ही क्रंची और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इसे हम जब फ्राई कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह से सारे नट्स फ्राई करेंगे। नट्स भी फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसमें एक चम्मच चाट मसाला लेंगे और इस पर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए ये बहुत ही क्रंची है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पता चल रहा है कि ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। ये बच्चे और बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। आप भी इस तरह से ये नट्स ज़रूर बनाएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।